2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल तैयार होने लगा है। हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर लगभग सभी प्रदेशों में बीजेपी बड़ी रैलियां कर रही है। अब हरियाणा में इन रैलियों के जरिए ही प्रदेश के नेताओं की जनता तक पहुँच की तैयारी है। मंगलवार को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव देव और पार्टी के तमाम सांसद शामिल हुए थे। इस बैठक में सांसदों ने मन की बात आपस में साझा की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल तैयार होने लगा है। हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर लगभग सभी प्रदेशों में बीजेपी बड़ी रैलियां कर रही है। अब हरियाणा में इन रैलियों के जरिए ही प्रदेश के नेताओं की जनता तक पहुंच की तैयारी है। मंगलवार को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव देव और पार्टी के तमाम सांसद शामिल हुए थे। इस बैठक में सांसदों ने मन की बात आपस में साझा की।